नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की इस पहली क्लास में। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना और उसकी मूलभूत विशेषताओं की बात करेंगे। तो अर्थव्यवस्था देखते हैं, अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनके माध्यम से देश की आधारभूत संरचना चलती है। अर्थात अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से लोगों का जीवन निर्वाह या आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से वो अपना आय अर्जन करते हैं। एक ढांचा है जिसके द्वारा समाज की संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। अब जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें दो शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप या संरचना, और दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताएं, आधारभूत विशेषताएं। तो अब हम देखते हैं पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप या संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था की संरचना से हमारा आशय एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में वितरण से है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में कितना कितना उत्पादन हो रहा है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कि कृषि है, उद्योग है, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और परिवहन सेवाएं। इन क्रियाओं में पाई जाने वाली आधारभूत समानताओं के आधार पर इन्हें मोटे तौर पर तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। तीन क्षेत्र कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, जिसको कि अंग्रेजी में प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र को टर्शरी या सर्विस सेक्टर कहते हैं। चार्ट में नीचे आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रवार विभाजन। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ों को शामिल करते हैं? कृषि, पशुपालन, वानिकी यानी कि वन से संबंधित कार्य, मत्स्य पालन, मछली पालन, और दूसरा है खनन और उत्खनन। खनन और उत्खनन से मतलब जमीन से खोद करके निकालना और सतह से खोद कर निकालना। द्वितीयक क्षेत्र जो होता है विनिर्माण, इसमें नई वस्तुएं बनाना, मैन्युफैक्चरिंग जिसको कहते हैं, और निर्माण यानी कि भवन निर्माण का काम करना या सड़क पुल वगैरह बनाना। इसके अलावा बिजली, गैस और जल की आपूर्ति से संबंधित जो भी सेवाएँ या कार्य होते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। तृतीयक क्षेत्र में व्यापार और भंडारण, परिवहन और संचार, वित्त पोषण, बीमा, बैंकिंग, स्थावर या संपदा और कारोबारी सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवाएं। तो ये सेवा क्षेत्र जो होता है तीसरा क्षेत्र कहलाता है। तो अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के हिसाब से प्राथमिक क्षेत्र में, इसके अंतर्गत कृषि, वन, मछली पालन और वनों खाने और खदान संबंधी क्रियाएँ शामिल होती है। इन्हें प्राथमिक क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी उत्पाद मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं और प्रकृति के सहयोग से इन्हें संचालित किया जाता है। तो सीधी सी बात यह है, प्राइमरी क्षेत्र डायरेक्टली प्रकृति से हमें प्राप्त होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के बदले जो क्रियाएं हैं उनको अपन शामिल करते हैं प्राइमरी सेक्टर में। यहाँ सीधा हमें उत्पादन या जो सामग्री होती है प्रकृति से मिलती है। दूसरा, द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, इस क्षेत्र में उद्योग, निर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति आदि क्रियाएँ शामिल होती है। इस क्षेत्र में एक प्रकार की अदा इनपुट को दूसरी प्रकार की प्रदा यानी कि आउटपुट में बदला जाता है, अर्थात कच्चे माल को तैयार माल के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। तो जो प्राइमरी सेक्टर से जो माल मिल रहा है उसको प्रोसेस करके, उसको संसाधित प्रसादित करके नया माल बनाया जाता है द्वितीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र क्या कहलाता है? इस क्षेत्र में आर्थिक क्रियाएँ जैसे कि यातायात, संचार और व्यापार, बीमा, बैंकिंग व कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेवाएँ, सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं, विदेशी व्यापार आदि शामिल की जाती हैं। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की सेवाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करती है, इन्हें इसलिए तृतीयक क्षेत्र या तृतीयक टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है। देश के आर्थिक विकास के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय की संरचना में परिवर्तन होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान और तुलनात्मक महत्व में बदलाव या परिवर्तन आ जाता है। आर्थिक विकास की दर में वृद्धि होने पर कृषि का तुलनात्मक योगदान धीरे धीरे कम होता जाता है और उद्योग और सेवाओं का योगदान क्रमशः बढ़ता जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के दौरान इस दृष्टि से कृषि के महत्व में कमी आई है, जैसा आप सारणी में नीचे देख सकते हैं। तो जीडीपी में भारत की जीडीपी में जो है परसेंटेज में हिस्सेदारी देखते हैं अपन, आय के क्षेत्र के अनुसार महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में हिस्सा देखते हैं 2004-05 की कीमतों पर, तो 1950-51 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा था 53.1% और 1990-91 में ये कम होकर के हो गया 29.6% और 2013-14 में और भी कम हो गया कितना, 13.9%। लेकिन उद्योग क्षेत्र का जो है 50-51 में 16.6% था, 90-91 में 27.7% था और 13-14 में ये घट करके 26.2% हो गया। तो ये उद्योग क्षेत्र का योगदान 50-51 की तुलना में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन बढ़ा जरूर है। सेवा क्षेत्र का आप देखें 30.3% था 50-51 में, जो बाद में 90-91 में 42.7 और 13-14 में 59.9% हो गया है। तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। मूल कीमतों पर सकल वर्धित
में हिस्सा, जीवीए में हिस्सा देखें 11-12 की कीमतों में, तो 13-14 में कृषि क्षेत्र 17.2, फिर ये 16.1 और फिर 17.77। इसी तरीके से 14-15 में 31.7% था उद्योग क्षेत्र, जो 14-15 में 31.4 और 27.95 हो गया। फिर 13-14 में वापस सेवा क्षेत्र का देखें तो आप देखेंगे सेवा क्षेत्र 51.2%, फिर 14-15 में 52.5 और 16-17 में 54.28 हो गया। तो इस तरीके से सेवा क्षेत्र और इनका योगदान लगातार बढ़ रहा है। सारणी के अनुसार 85-51 से 13-14 के मध्य शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP के क्षेत्रवार वितरण की संरचना में जो परिवर्तन हुए हैं उनको संक्षेप में निम्नानुसार देख सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर की भूमिका में सतत गिरावट आ रही है। 85-51 में सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा लगभग 56.7% था, जो लगातार घटते हुए 16-17 में 17.8% पर आ गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है, कृषि क्षेत्र में सर्जित आय का राष्ट्रीय आय में हिस्सा कम होता गया है, यानी कि जो परसेंटेज हिस्सा है कृषि क्षेत्र का वो कम हो गया है। दूसरा है, आर्थिक नियोजन के शुरू के वर्षों में कृषि के हिस्से में जो गिरावट आई थी उसका कारण अर्थव्यवस्था में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं बल्कि प्रतिकूल मानसून था, यानी कि शुरुआत में गलत मानसून की कमी की वजह से गिरावट आई थी। परंतु विगत कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन आए हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेज आए हैं, जैसे कि व्यापार, बैंकिंग और बीमा और सेवा क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक तेजी से विकास की गति हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र का NDP में योगदान घटा है और अन्य क्षेत्रों का बढ़ा है। आर्थिक विकास के साथ इस क्षेत्र को तुलनात्मक भाग में कमी आना स्वाभाविक था, लेकिन जितनी तेजी से कृषि के योगदान में गिरावट आई है ये विचारणीय है। वस्तुतः कृषि का सापेक्षिक महत्व काफ़ी है और आज भी राष्ट्रीय आय में तेज वृद्धि के लिए हमें कृषि का तीव्र गति से विकास करना ही पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है, कृषि का विकास हमारे बहुत बड़ी जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जरूरी है। दूसरा है, द्वितीयक क्षेत्र में सतत वृद्धि। द्वितीयक क्षेत्र का भाग 1950-51 में 13.7% था, जो 16-17 में 28% हो गया, लगभग दो गुना। ये उल्लेखनीय है कि इसके सभी संगठकों जैसे कि विनिर्माण उद्योग, निर्माण कार्य, विद्युत, गैस और जलापूर्ति क्षेत्रों के योगदान में तीव्र वृद्धि हुई है। जहाँ तक निर्माण क्षेत्र का प्रश्न है, सरकार ने विगत कुछ वर्षों में ही आधारिक संरचना के विकास पर जोर दिया है, जिसके कारण निर्माण क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र प्रभुत्वपूर्ण स्थिति में पहुंच गया है। समंकों से, आंकड़ों से स्पष्ट है कि स्थिर मूल्य के आधार पर 1950-51 में देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का भाग 29.6% था, जो लगातार तेजी से बढ़ता हुआ 2016-17 में 55% हो गया है। इस प्रकार प्रभुत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण स्थिति में आ गया है। तृतीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थिति में पहुँचने के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है, व्यापार, बैंकिंग, व्यापार, परिवहन और संचार क्षेत्र में सतत वृद्धि हुई है, तीव्र वृद्धि हुई है। बैंकिंग, बीमा गतिविधियों का निरंतर प्रसार होता जा रहा है और वास्तविक संपदा और आवास के हिस्से में भी वृद्धि हुई है। सामुदायिक सामाजिक सेवा के क्षेत्र में वृद्धि होती रही है। लोक प्रशासन और प्रतिरक्षा व्यय में भी अत्यधिक तीव्र वृद्धि हुई है। तो तृतीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही देश के आर्थिक विकास को सर्विस लेड ग्रोथ का नाम दिया गया है, यानी कि सेवा क्षेत्र द्वारा नेतृत्व की हुई आर्थिक वृद्धि भारत ने प्राप्त करी है, ऐसा कहा जा रहा है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर भारत के क्षेत्रीय विकास और उसके अंतर संबंधों के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला है, भारत में उद्योगवार शुद्ध घरेलू उत्पाद के सर्जन में, यद्यपि कृषि क्षेत्र अभी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, फिर भी इसके सापेक्षिक महत्व में धीरे धीरे कमी आ गई है। दूसरा, भारत में आयोजित विकास के कारण औद्योगिकरण को तीव्र प्रोत्साहन मिला है, बल्कि औद्योगिकरण क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। यही नहीं, आयोजित विकास के कारण संगठित क्षेत्र का हिस्सा भारत के शुद्ध घरेलू उत्पाद में असंगठित क्षेत्र की तुलना में अधिक हो गया है। भारत में तृतीय क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हुआ है। उदाहरण के लिए परिवहन, संचार, ऊर्जा, बैंकिंग, बीमा आदि क्षेत्रों का योगदान GDP में बढ़ा है। पिछले 3 दशकों में जिस प्रकार से लोक प्रशासन और प्रतिरक्षा व्यय बढ़ता जा रहा है वह एक चिंतनीय विषय है, क्योंकि ये अनुत्पादक व्यय होता है। अब चौथा है, रोजगार संरचना में धीमी गति से परिवर्तन। तो स्लो चेंज इन एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार संरचना में होने वाले परिवर्तन भी आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के सूचक होते हैं। लेकिन वस्तुतः किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाता है वैसे वैसे वह कृषि से उद्योग और सेवा क्षेत्रों की ओर होता जाता है। ऐसा कृषि के महत्व में कमी और अन्य क्षेत्रों के इस क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों को कार्यकारी जनसंख्या के स्थानांतरण से होता है। परंतु भारतवर्ष में यह बदलाव बहुत धीमी गति से हो रहा है। उदाहरण के लिए, जहाँ कृषि और समग्र क्षेत्रों में कार्यकारी जनसंख्या का प्रतिशत
1951 में 72.1% से कम होकर के 2011-12 में 48.9% ही हो पाया है। वहाँ इस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा इसी अवधि में तेजी से गिरकर 53.1% से 14% पर आ गया है। दूसरी ओर कुल रोजगारी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा मात्र 51 में 17.3% से बढ़कर 2011-12 में केवल 24.7% ही गया है, जबकि वहाँ का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा इसी अवधि में 30.3% से बढ़कर के 59% हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बीच आय और रोजगार हिस्सों में असमिति या एसिमेट्री उत्पन्न हो गई है, जो कि चिंताजनक है। तो ये आप देख रहे होंगे 1999-2000 के अंदर कृषि क्षेत्र का संबंध, ये रोजगार में हिस्सा देख रहे हैं आप। कृषि में 59.9% था 1999-2000 में, 2004-05 में 58.5 और 2011-12 में 48.9। उद्योग क्षेत्र में 16.4, 18.2 और 24.3 और सेवा क्षेत्र में 23.7, 23.3 और 26.9। तो जो उत्पादक क्षेत्र है वहाँ रोजगार तीव्र गति से नहीं बढ़ रहा है और कृषि क्षेत्र में रोजगार तीव्र गति से नहीं घट रहा है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में प्रगतिशील परिवर्तन हुए हैं, फिर भी राष्ट्रीय आय की बदलती हुई संरचना को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिकरण के कार्यक्रमों को और मजबूत बनाना होगा। इसका अर्थ यह है कि कृषि की उपेक्षा नहीं है, बल्कि कृषि में विकास प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण करना है और इसके लिए कृषि पर आधारित उद्योग और कृषि को इनपुट या साधन उपलब्ध कराने वाले उद्योगों का विकास अनिवार्य है। इस प्रकार की भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्पविकसित से विकसित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। अब हम देखते हैं दूसरा जो हिस्सा है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ, तो फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला है एक अर्धविकसित या अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, और दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। पहला अपन देखते हैं भारत के अर्धविकसित या अल्पविकसित यानी कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में। अर्धविकसित देश सापेक्ष शब्द है, सामान्यतः वे देश जिनकी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय की 1/4 से कम में अर्धविकसित देशों में रखे जाते हैं। अर्धविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है कृषि की प्रधानता, प्रेडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52% भाग कृषि में लगा हुआ है। इसका तात्पर्य यह हुआ है कि कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या जो 52% है, उसका CSO के जारी नई आधार श्रृंखला वर्ष 2011-12 जो राष्ट्रीय आय के नए आधार वर्ष है 2011-12 के अनुसार वर्ष 2016-17 के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 17.4% था, जबकि शेष 50% जनसंख्या जो गैर कृषि क्रियाओं में लगी हुई है उनका राष्ट्रीय आय में योगदान लगभग 18% है। ये तथ्य इस बात से सिद्ध करता है कि भारत में कृषि श्रम की उत्पादकता गैर कृषि श्रम की उत्पादकता की तुलना में बहुत कम है। वस्तुतः कृषि पर बहुत अधिक निर्भरता भारतीय अर्थव्यवस्था की अल्पविकसितता का प्रमाण है। आर्थिक दृष्टि से जैसे जैसे देश विकसित होते जाते हैं राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कम होता जाता है, जैसा कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान आदि देशों का राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान मात्र 1% ही है। तो ये हमारी कृषि पर बहुत अधिक आत्मनिर्भरता की बात करता है। दूसरा है निम्न प्रति व्यक्ति आय, लो पर कैपिटा इनकम। भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत नीचा है। विश्व बैंक विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 में भारत में क्रय शक्ति क्षमता रीति के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद $1,750.6 थी। भारत में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद विश्व औसत का 14% के बराबर है। यह अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय $55,980 की तुलना में लगभग 1131 ही थी। तो चीन का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद $14,238.7 था। तो ये आप देख रहे हैं हमारे भारत की स्थिति दुनिया के सापेक्ष निम्न प्रति व्यक्ति आय के रूप में। शेष विशेषताओं की चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।